वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। मैं ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स बताती हूँ और कभी कभी स्किन केयर भी बताती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारी एक बहुत पुरानी ट्रिक पे, जो कि है एग मास्क फॉर हेयर्स। तो मैं जब बहुत पहले यूट्यूब पे एक्टिव थी और मेरे बाल जो थे, एक्चुअली रेमेडीज़ तो मैं देखती थी हेयर्स की थिकनेस के लिए, लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं, बिकॉज वो आपका जेनेटिक ही होता है। आपके बालों की थिकनेस बहुत कुछ आपके जेनेटिक से ही रिलेटेड होती है। बट नाउ जब ऑप्शन नहीं था तो बहुत कुछ ट्राई करते थे, और उसमें से एक रेमेडी थी एग मास्क, लाइक अप्लाइंग एग ऑन योर हेयर्स। उसमें थिकनेस तो नहीं आई, बट हाँ आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको स्ट्रेट इफेक्ट मिलता है और दूसरा आपकी जो हेयर हेल्थ है वो आपको खुद में काफ़ी अच्छी लगेगी। मतलब आपको लगेगा कि हाँ नरिशमेंट हुआ है। उसके अलावा आपके हेयर ग्रोथ रेट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ट्राई किया, मैं बहुत टाइम बाद इसको ट्राई किया, तो मुझे लगा कि विद डेमो मैं इसको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं इसको यूज़ किया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी भी यूज़ किया जाए और इसका डेमो आपको दिया जाए। तो अभी मेरे हेयर वॉश हैं, लाइक मैंने वो अप्लाई किया था और उसको वॉश कर लिया है। तो आई शो यू कि कैसे लग रहे हैं। ओके, तो जस्ट टू से मेरे बाल वैसे भी नेचुरली स्ट्रेट ही हैं। लाइक आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपको नेचुरल दिखेगा, फिर यहाँ हल्का सा वेव है और यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से यहाँ मेरी स्मूदिंग हुई है और यहाँ से यहाँ ये जो है मेरे नेचुरली स्ट्रेट हैं। बट अगर आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट नहीं भी है, तब भी अगर आप इसको लगाते हो तो आपको एक स्ट्रेट इफेक्ट मिलता है। और क्योंकि ये नेचुरल है, बहुत चीप है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत मैसी है और जो एग की स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग होती है। आपको उसको हटाने के लिए एटलीस्ट 2 बार और नहीं तो 3 बार अपने हेयर्स को वॉश करना पड़ता है। यानी कि आप जब रिंस करोगे तो ये एक रिंस में उसकी स्मेल नहीं जाती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अदरवाइज ये बहुत हेल्दी है आपके बालों के लिए। थिकनेस का नहीं पता मुझे, मेरे बालों की थिकनेस नहीं, बट ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है और साथ में हेयर हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एक स्ट्रेट इफेक्ट भी मिलता है आपको। तो ये 3 चीज़ों के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको डेमो दे रही हूँ और उसके अलावा जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दूंगी। पहले हम डेमो देख लेते हैं। तो अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे लगाया और क्या किया, कैसे आपको बनाना है एग मास्क, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इसको बनाने के लिए पहले आपको चाहिए एक एग। अगर आपकी हेयर लेंथ मेरे जैसी है और आपका हेयर ज़्यादा थिक नहीं है, लाइक मेरे ही जैसा है, मैं आपको दिखा दूँ। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मेरे बाल कैसे हैं। अगर आपके बालों का वॉल्यूम, हेयर लेंथ और थिकनेस वैसी है तो आपको जस्ट एक ही एग लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बट अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं या ज़्यादा थिक हैं तो आप 2 एग्स ले सकते हो। उसके बाद आपको सेकेंड प्रोडक्ट लेना है, ऑलिव ऑयल। अभी अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं भी है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी यूज़ करोगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप टेंशन में मत आ जाना कि मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है तो इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग से ज़्यादा मतलब है, ऑयल से कम मतलब है। थर्ड जो है मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मेरा एसेंशियल ऑयल जो कि है रोजमेरी। वो मैंने बेसिकली यूज़ किया था कि थोड़ा स्मेल जो है कि वो थोड़ा सा कम हो जाए, और साथ में जो रोजमेरी ऑयल एसेंशियल ऑयल होता है वो भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। बट इट्स ओके अगर आपके पास नहीं है, देन इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। आप बस वो 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से, जो जैसे हम अंडे को फेंटते हैं वैसे उस तरीके से उसको फेंटना है। आपको 1 अंडा लेना है, 2 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल डालना है। अब उसमें अगर आपने 2 अंडे ले लिए तो आप एटलीस्ट 3 चम्मच ले लेना अपना ऑलिव ऑयल, और उसको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम फेंट लेना उसको, जैसे वो फेंट के हम पानी जैसे बना लेते हैं ऑमलेट के टाइम जब करते हैं, सेम वैसे ही करना है। तो उसको फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको अपने स्कैल्प में उसको मसाज करना है, और स्कैल्प में मसाज करने के बाद मतलब आपको ऐसे सेक्शंस कर करके उसको लगाना है और मसाज करना है। आप अगर आपके बाल ट्रीटेड नहीं है
तो आप हेयर लेंथ में लगाओगे, अगर आपके बाल ट्रीटेड है जैसे कि मेरे, तो आप हेयर लेंथ में नहीं लगाओगे। मैं अभी जब डेमो दूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ स्कैल्प पे लगाऊंगी और थोड़ा सा वो नीचे स्कैल्प में आप लगाते हो तो थोड़ा लेंथ में आ जाता है, बट जहां से मेरी स्मूदनिंग है वहां से आपको, या आपके बाल भी ऐसे ही ट्रीटेड है तो आपको उधर नहीं लगाना है, आपकी स्मूदनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जो आपको पर्पज था वो फेल हो जाएगा। राइट, तो अभी आपको लग रहा है काफी अच्छा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लगाया है, मैंने वो सिर्फ यहीं तक लगाया था, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको उस मास्क को कोशिश करिए आप अगर 45 मिनट 45 मिनट तक रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तक रखना ही है, ठीक है, उसको रखिए। रखने के बाद आपको उसको वॉश कर देना है, ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि एग होता है वो जैसे ही ड्राई होता है ना तो आपके बाल ना स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, अकड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ट्राई करना कि आप टाइम लिमिट जो है, उस ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट से ज़्यादा ना हो, आपके बाल थोड़ा स्टिकी हो, एकदम ऐसे जमे जमे से हो जाएंगे तो आपको धोते टाइम बहुत इशू होगा। और अगर आपको हेयर ब्रेकेज होता है, लाइक आपकी हेयर हेल्थ ऑलरेडी अच्छी नहीं है, तो आपको सच में दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ड्यूरेशन का थोड़ा सा टाइम रखना है इसके अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी हेयर मास्क या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऊपर से अप्लाई करनी है अपने हेयर्स पे, वो तभी काम करती है जब आप अंदर से स्ट्रेस फ्री होती हो। जब ये भी आपकी बॉडी या आपका माइंड, मतलब ये जो चीज़ है वो हैवी है ड्यू टू स्ट्रेस, आप ढंग से नींद नहीं ले रहे हो या किसी चीज़ से टेंशन में हो, तो आप ऊपर से कुछ भी अप्लाई करोगे वो काम नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करो। अगर आप कुछ हेयर मास्क लगाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को पहले थोड़ा सा काम डाउन करना होगा ताकि वो काम करे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो या इस तरीके की चीज़ होती है, टेंशन में हो, तो सबसे पहले वो आपके हेयर्स पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको हेयर फॉल स्टार्ट होता है। अचानक से आपको लगे ये क्या हो गया, मुझे तो कोई इशू ही नहीं था, हेयर फॉल क्यों हो रहा है या हेयर ब्रेकेज क्यों हो रहा है या समथिंग जो भी हो रहा है, वो सबसे पहले आपका स्ट्रेस से स्टार्ट होता है। तो आप ट्राई करो, हो सकता है आप टेंशन में हो, आप उसका क्या ही कर सकते हैं, तो आप पहले नींद ले लो अच्छी सी, कोशिश करो मेडिटेशन करने की कोशिश करो या कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, उसी के बाद आप हेयर मास्क लगाओ, वरना लगाना ही मत। आप अपना 1.5-2 घंटे की मेहनत करोगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट इन द सेंस कि बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बिकॉज एग लगा रहे हो आप, वो अच्छा है ही आपकी हेयर हेल्थ के लिए। उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, फैट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बट उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज लेने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रेस फ्री हो। कुछ चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको स्मेल से बहुत एलर्जी है, स्पेशली एग्स की स्मेल से, बिकॉज आपको रॉ एग यूज़ करना होता है इसमें, तो आप ये मास्क नहीं यूज़ करना, आप नहीं झेल पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये एटलीस्ट 30-45 मिनट्स आपकी सर पर रहता है, तो आप परेशान हो जाओगे। आप इस मास्क को मत लगाना अगर आपको स्मेल से इशू है। दूसरी बात, ट्राई करना कि ड्यूरेशन एक्सीड ना हो, जो 30-45 मिनट्स का ड्यूरेशन है वही रहे, क्योंकि वो सूख जाएगा, एग जो होगा आपके बालों पे सूख जाएगा और आपके बाल अकड़ जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, तो वो ब्रेकेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आपके बाल ब्रेक हो सकते हैं बीच में से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। राइट, तो आप ट्राई करना कि आप ड्यूरेशन के बीच में ही रहो, ड्यूरेशन से बाहर ना जाओ। तीसरी बात, अगर आपके बाल ट्रीटेड है तो ट्रीटेड हेयर्स पे भी आपको कोई भी मास्क नहीं लगाना है, देसी, क्योंकि ये देसी मास्क है तो आपको ट्रीटेड हेयर्स पे नहीं लगाना है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था, मैंने यहाँ से लेके इस लेंथ पे ये मास्क नहीं लगाया है, मैंने इसको सिर्फ स्कैल्प पे लगाया है, उसको मसाज किया और वो थोड़ा सा नीचे आके इधर आ गया। बट अगर आप ट्रीटेड हेयर्स हैं आपके, अभी अभी आपने स्मूदिंग, रिबॉन्डिंग, कलरिंग कुछ भी कराया है, तो आपको ये नहीं लगाना है, आप इसको मत लगाइएगा। फोर्थ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप देसी अंडा लगाओगे तभी असर दिखेगा, नॉर्मल अंडा लगाने पे असर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एग लगाओगे वो काम करेगा, बस वो एग होना चाहिए, क्योंकि एग में अच्छा फैट होता है और प्रोटीन तो बहुत ही होता ही है, तो वो आपके लिए काम करेगा। आप नॉर्मल वाइट एग जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एक आउट ऑफ द ब्लू टिप, अगर आपके घर में गमले हैं, आप पौधे उगाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो आप खाद भी रखते होंगे, तो अगर आप जब आप एग को ब्रेक करोगे तो जो उसका वाइट शेल है उसको आप डंप मत करिएगा, आप उसको अपने गमले में डाल सकते हो। जो एग का शेल होता है वो मिट्टी के साथ मिलके बहुत अच्छी खाद बनाता है, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, उसको डंप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको अपने गमले में मिट्टी के साथ दबा दीजिए, वो बहुत ही अच्छी खाद होता है।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और आप भी इसको अप्लाई करोगे। आप में से बहुत लोग पहले यूज़ करते होगे, भूल गए होगे, और या जिनको नहीं पता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको फ़र्क दिखता है तो आके इस वीडियो में नीचे ज़रूर लिखना कि आपने ट्राई किया था और आपको इससे फ़र्क दिखा, नहीं दिखा, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा। आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्वीन फीड, सेम जो मेरे यूट्यूब का नेम है, और साथ में मेरा फेसबुक पेज भी है अनटिल देन के नाम से। मैं सबका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में मैं लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहती हूँ और स्नैपचैट पे भी एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आप पब्लिकली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी सी वीडियो में। सो टिल देन, बाय।